राशन वितरण किया गया है गरीब लोगों के लिए, कैसे प्रशासन जो है वहाँ पे आगे आए हैं, आपने कैसे मुहिम जो है ये उठाई है, क्या कर रहे हैं? वो हम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी गश्त में थे तो इन लोगों के पास, इनने हमारी गाड़ी रुकवाई, इन्होंने कहा भाई हमारे पास में ये चीज़ नहीं है, तो हमने कैसे इंसानियत के रूप में इनको आटा ला के दे दिया ताकि ये रोटी अपनी बना सके और खा सके। अच्छा, क्या क्या आज जो है इनको आपने मुहैया कराया है, क्या राशन में क्या कर दिया? आटा दिया है जिससे इनकी रोटी बन सके। अच्छा, गरीब परिवार हैं ये, रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं, काम धंधों पर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में भूख ना मरे आपने जो अच्छा कदम उठाया, कैसे देख रहे हैं और भी आगे लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी, और आ भी रहे हैं। पुलिस प्रशासन तो अपना परवाह किए बगैर इनकी मदद करेगा और लोगों से अपील करता है कि भाई अपने अपने फासले बना कर रखें, इसमें सबका ही भला है, घर से बाहर ना निकलें, बाकी जो चीज़ वो पॉसिबल होगी एक मदद के तौर पर वो हम करेंगे हर संभव। शीला देवी जी, शीला जी, यहाँ पर जो है लॉकडाउन है, सब चीज़ें बंद कर दी हैं, ऐसे में आपको राशन जो पुलिस प्रशासन ने दिया है कितना अच्छा मानते हैं उनका प्रयास? बहुत अच्छा मानते हैं, हम तो अपने माँ बाप जैसे मानते हैं, पुलिस हमारी मदद कर रही है, हमारे लिए हमारे बच्चे भूखे डोल रहे थे बेचारे ने आके हमको आटा दिया, हमारी मदद की है, हम तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अच्छा, राशन अब जो है मिला है, अब बच्चों को कैसे उनको बनाएंगे खाएंगे, क्योंकि धंधा नहीं है, बंद पड़े हैं सारी चीज़ें, और भी लोगों को आना चाहिए आपकी मदद के लिए, क्या कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं हमारी मदद के लिए आओ, हमें दाल दो, आटा, चीनी, तेल दो, हमारे बच्चों का, इनको थोड़े बहुत हमको पैसे दो, चाय, दूध के, जैसे मॉल का पानी भरवाते हैं, मॉल का राशन लाते हैं, सब कुछ हमारे मॉल आता सरकार है। सरकार ने अब लॉकडाउन किया, रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं। सरकार ने लॉकडाउन किया है, सरकार के साथ खड़े हैं आप, या कुछ और कुछ होना चाहिए थे, क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप सरकार से? हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से रहेंगे हम, जब तक सरकार नहीं कहेगी तब तक अपनी हमें ऐसे ही लॉकडाउन रखेंगे जी। अच्छा, ठीक है।